Raksh Dwivedi, and it's a lime green. I love this color. I always wanted to wear this color, so I'm really happy. And it's more like a doll vibe, like a princessy vibe. So I wanted to pull this off, and I really like it. And I'm on the other hand, I love the bling happening in multicolor vibe happening in it. And it's by Yusuf Al Jazmi. That's about it. अगर हम अनुपुर जी के गाने की बात करें जी हम ऐसे देखते हैं कि एवरीडे 10 मिलियन भी आ रहे हैं 300 हो गए अभी हुए 300 हां लेकिन एवरीडे 10 मिलियन आ रहे हैं दैट्स एक्चुअली आप कैसे देखते हैं आप लाइक एल्बम को सिंगल आई थिंक ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल है एंड आई एम जब मैंने एक्चुअली गाना सुना था मुझे वो गाना सुन के ही लगा था कि ये बहुत बड़ा हिट होने वाला है बिकॉज एक कई बार होता है एक सुन के एक बार में ही लूप पे चल जाए आपके दिमाग में एंड बट एक्चुअली आई वाज वेरी सरप्राइज विद द 5 मिनट होल स्टोरी दैट दे केम अप विद आई थॉट दैट वाज ब्यूटीफुल एंड या आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स डन सो वेल इट्स आई थिंक इट्स क्रॉस ऑल ऑफ माय सॉन्ग्स ये अभी देखी नहीं इसने कल देखी मैंने नहीं देखी अभी ट्रेलर के साथ और ये पहली फिल्म है जो इसने मुझे पहले नहीं दिखाई है अभी तक मुझे बुरा लग रहा है इस बात मैंने नहीं देखी है तो मैं हाँ आपको तो दिखाना पड़ेगा नहीं मैं गुड लक हूँ इसकी मैं इसकी फिल्म्स पहले देखती हूँ हमेशा कृति वो कैसे लग रहा है बस पानीपत को लेके काफी एक्साइटमेंट है लोगों में बिकॉज़ इट्स अ पीरियड फिल्म एंड हिस्टोरिकल फिल्म रियल स्टोरी व्हाट आर द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट यू आर गेटिंग वेल इट्स माय फर्स्ट हिस्टोरिकल सो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूं एंड एक्चुअली मैं इसके बाद आज रात को देखने जा रही हूं सो मतलब मन में थोड़ी धक-धक हो रही है एक पहली बार ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जो एक्चुअली कभी जीवित रह चुका है तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि आपने अच्छे से किया हो क्योंकि उस कैरेक्टर की जितनी रिस्पेक्ट रही है यू नो वो दर्शाना और जितना ब्रेव वो कैरेक्टर रहा है वो दर्शाना बट आई हैव बीन इन द बेस्ट हैंड्स आशुतोष गोवारिकर एंड आई होप दैट पीपल लाइक द फिल्म एंड इट्स आई ऑलवेज से इट्स अ स्टोरी इट्स अ स्टोरी दैट मस्ट बी वॉच्ड बिकॉज एक हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जो शायद हम भूल चुके हैं और यहाँ महाराष्ट्र में तो इनफैक्ट कुछ भी होता है तो अरे पानीपत झालं है ना तो वो आई फेल्ट कि उसको देखने का नज़रिया एक अलग होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी वॉर थी जिसका चाहे रिजल्ट जैसा भी रहा हो उसका जो करेज था जो उन लोगों पे बीती वो पता होना चाहिए हम सबको एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंट्रीग मी वॉज कि अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो उन्होंने 4 बार पहले इन्वेट किया था ये 5वीं बार था वो जीते थे बैटल लेकिन वो वापस नहीं आए कभी तो क्यों नहीं आए सो आई फील कि आई ऑल्सो होप कि बच्चे देखें यू नो आई फील हिस्ट्री हमें बुक्स में जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं मैं भूल गई थी
तो जब आप देखते हो तो आप एक एक्सपीरियंस करते हो एंड आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच इट. एंड नूपुर जी, सिंगल के बाद हम और भी ऐसे ढेर सारे सिंगल देखेंगे, फिल्में देखेंगे, और आप हमें बता सकते हैं जो भी अच्छा लगेगा मुझे, जो भी मुझे लगेगा कि ये सही है मेरे लिए वो देखेंगे. सिंपल आंसर. ये गाइड करती है मुझे हर चीज में. ये गाइड करती है मुझे हर चीज़ में. कुछ भी डाउट होता है मन में, आई ऑलवेज गो टू हर पूछने के लिए. बट हाँ, एक तरीके से शी इज़ लेटिंग मी टेक माई ओन जर्नी. शी लाइक, पहले खुद सोच जो भी तुझे करना है, फिर मेरी अगर इनपुट चाहिए तो आई गिव. But that's how it should be. I feel like today I'm proud of the journey I've had, and I really feel that everyone should have their own journey with their own mind and their own heart. अंदर बुला रहे हो? हाँ, मैच इन दिनों मेरे को चिंटू जी सुनना पसंद आता है. बहुत अच्छा लगता है जब कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं मेरे को सब लोग. और आई थिंक जिस दिन से ट्रेलर आया उस दिन से सब लोग चिंटू त्यागी करके बुला रहे हैं, मेरे को चिंटू जी बुला रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी कि दिमाग में कैरेक्टर बैठ रहा है. बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट इन फैक्ट. एंड और फिल्म फेयर स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड्स बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, जहाँ पे स्टाइल के लिए नवाजा जाता है, आपको अवार्ड किया जाता है. सो आई एम एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. जी है ना, कुछ ऐसा ठंड का मौसम है ना, तो थोड़ा सा वैसा सा फील है. और इतनी ठंड नहीं, मैं थोड़ा, मेरा गला ख़राब है तो इस चक्कर में मैंने ऐसा पहना है. बट आई थिंक माय स्टाइलिस्ट, दे ऑलवेज डू अ वंडरफुल जॉब विथ मी एंड काजिम एंड प्रियंका, बेसिकली दी वेंग्लोरियस, दे ऑलवेज स्टाइल मी एंड हमेशा कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी के साथ करते हैं जो भी करते हैं. मैं हॉलीवुड से बता सकता हूँ, रायन गॉसलिंग, मेरे को उनकी स्टाइल बहुत पसंद है. बहुत ही बेसिक येट स्टाइलिश लगते हैं. ऋतिक रोशन सर,
थैंक यू थैंक यू. जी हाँ जी कहाँ है मेरे पोजर्स का है कहाँ है.